हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल फाइन। तो गाइज मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज आज रागवी से मिलने कौन आए चलिए बताती हूँ। तो गाइज आज रागवी से मिलने आए मेरी बुआ और मेरे दादी। और बुआ और मेरी दादी आए हैं आज कलिया लेके। हमारे यहाँ का रिवाज रहता है कुछ इस तरह से, चलिए बताती हूँ। हमारे यहाँ पे कलिया जब लाते हैं तो क्या क्या करते हैं। मेरी दादी गाइस ऐसे नखरे वाली दादी मेरी। आज आई बोल मैं अपने पोती के घर। तो मेरे दादी ना फर्स्ट टाइम आए मेरे घर और यहाँ पे मिल रहे हैं सरागवी से और बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। मतलब इनको इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी परपोती होगी, और परपोती होने की खुशी ना हर किसी को नसीब नहीं होती, इसीलिए दादी अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अपनी मामी है? दादी माँ बच्चों को ज्यादा सुनाना चाहिए। सुते बांके गोलिया बच्चो थारे के बोला আমার বল সুত না নি যায় না কে বলে না বল আমি আতে গোল গোল বল আর কে বলা বাকে বড় বলি বাকে বড় তুমি বলো গো যায় হ্যাঁ বলি আ বান কে মোটে ও বাছো বড়িয়া সে কোন কে কান বলে না আমা কা বলে আ হচ্ছে লাগতে কবে রাতে ও কেন কে এডি লাগে না আসলে লাগে কি করে মা সবাই देरो आए रहा तेल क्रेम हो गया हाँ बस हाँ आहासा तेल क्रेम बोल दे वाला ही दे अलग मेरे बोलो बीड़ी माता खिले आई ना सो दो साइन ना कहे तबे सो ये ना भगवान माँ बाबा बेबी बीड़ी माता हाँ बस हाँ सुमादर पुकी जले था रे ये दियो पुकी मत वो शांत है लाइन दिसो दिसे गाड़ी दिसे ग्राम शुरू दे दिसे आप क्या लगे इसके बुआ नानी? बुआ नानी आई, बुआ नानी आई, बुआ नानी, बुआ नानी आई भाई, बुआ नानी क्या नहीं जाए दे दादी माँ समझाओ अम्मा जी को कैसे कैसे करना होता रिवाज। है ना दाल पे केरा ते पचानी खींच ले खींच के दाल चावल ही नहीं आने दे। हाँ ये भी बनाने हो ओ तो गाइस ये मेरे मायके का रिवाज है कुछ इस तरह से। कलिया लिया लेके आया जाता है और अब खिचड़ी बनाने को बोला अम्मा जी को, वही मेन कलिया होता है, बाकी आप आगे देखो। दीदी को तो गाइज ये है सरागवी की ड्रेस, बहुत ही अच्छी थी और बहुत सुंदर थी और स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है। और वैसे भी जो लड़की होती है उनको पिंक ड्रेस ही पसंद होती है और पिंक ही अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसको पिंक पैंथर भी कहते हैं कभी कभी। तो ये है स्पेशल गिफ्ट सरागवी के लिए। सर
हाँ लगाओ कर लो इसका ये। तो यहाँ पे बोल रहे थे ना दादी कि क्या ज़माना आ गया, बोल तब तो हाथ में भी ग्लव्स लगते हैं, हमारे ज़माने में कहाँ होता था, बोलते कुछ नहीं मिलता था, अब तो बोलते हॉस्पिटल में पहले पहना लेते कपड़े, उस टाइम कपड़े भी नहीं होते थे। और मेरे दादी ना आया है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा डिलीवरियाँ लगाई है पहले की अपने टाइम की। तो यहाँ पे पहना रहे थे इसको कंगन, इसके लिए लाए थे चुटकू चुटकू जैसे कंगन, वैसे तो बड़े हैं इसके साइज़ के तो है नहीं, चलो आगे काम आएंगे, बट ये हमारा रिवाज रहता है तब ये लाने पड़ते हैं। और ये मामा के घर से आते हैं, तो ये वाले कंगन दिए इसके बड़े नानू ने जो कि है मेरे बड़े पापा, बड़े पापा तो आए नहीं, तो अभी दादी आए हैं और बुआ है, और बुआ भी पूरी तैयारी के साथ आए थे, मतलब सरप्राइज ही दे दिया हम लोगों को। तो ये वाली टोपी लाए थे बुआ, बड़ी थी अभी सेट बड़ा है इसके लिए, तो ऐसे ही लगा रहे थे थोड़ी देर के लिए। और ये बुआ ने मेरे लिए लाया है गिफ्ट, और ये वाला सेट है बहुत सुंदर है, हैंडमेड है, खुद बनाया बुआ ने, बहुत ही सुंदर सेट थे ये, दो सेट लेके आए हैं बुआ भी, अभी तो बड़े हैं पर आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। और इसमें बुनती भी कितनी सुंदर लग रही है, मतलब मेरे को तो बहुत प्यारा लगा ये सेट, और कितना सुंदर डिज़ाइन डाला है बुआ ने। तो श्राग्वी की तो लॉटरी लगी आजकल, इसके लिए कपड़े कपड़े चले हैं, कुछ ना कुछ चला ही है क्योंकि हमारा रिवाज रहता है ना यहाँ पे, तो चले है। फिर यहाँ पे बुआ ने भी सरप्राइज दे दिया, बुआ ने भी कंगन लाए थे, मतलब इसके पास कंगन ही कंगन हो गया अब तो, अभी इतनी पिद्दू जैसी और अभी से इतना कुछ इसके पास। तो श्राग्वी को लगी थी भूख, इसीलिए रो रही थी जोर जोर से, और इस पे बहुत सुंदर लग रहे थे ये कंगन। हाँ दूध के लिए लग गया, तो ये था मेरे मायके साइड का कल्चर कुछ इस तरह से, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और यहाँ पे श्राग्वी के साथ खेले थे मेरे दादी, मेरे दादी तो बहुत खुश हुए थे इसको देख के।